एक्ट्रेस आरती सिंह इन दिनों अपने प्री वेडिंग फंक्शन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है कल्याणी कि 25 अप्रैल के दिन आरती जिंदगी भर के लिए दीपक चौहान का हाथ थाम देंगी इससे पहले आरती की सारी रस्में हल्दी मेहंदी के साथ ही संगीत नाइट भी काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की गई। हर एक फंक्शन में आरती के पूरे फैमिली के साथ साथ उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स भी शामिल हुए हालांकि अभी तक आरती सिंह के किसी भी वेडिंग फंक्शंस में उनके मामा यानी कि गोविंदा नजर नहीं आए हैं ना ही गोविंदा के फैमिली से कोई भी आरती के फंक्शंस में शामिल हुआ मालूम है कि पिछले कुछ सालों से गोविंदा और कृष्णा के बीच अनबन चल रही है लेकिन इसके बावजूद कृष्णा की वाइफ और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह इस उम्मीद में है की गोविंदा अपनी भांजी की शादी में तो जरूर ही आएंगे लेकिन ऐसा लग रहा है की गोविंदा या उनकी फैमिली वालों ने आरती सिंह के प्री वेडिंग बैश ऐसी दूरी बनाकर रखी हुई है हाल ही में एक तरफ आरती सिंह का संगीत फंक्शन हुआ तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा की बेटी टीना आहूजा मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंची। टीना को मंदिर में जाते देख हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर गोविंदा की बेटी टीना आरती सिंह के फंक्शन में क्यों नहीं गयी है टीना आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज आरोप फोटो शेयर करके फैंस को अपडेट दिया की वो सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए गयी स्टोरी लगाते हुए टीना ने हाथ जोड़े हुए इमोजी और दिल के शेयर किया कि टीना का बहन के फंक्शन को छोड़कर मंदिर जाना फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है वह अभी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आरती सिंह और दीपक चौहान की शादी में गोविंदा या उनकी फैमिली में से कोई पहुंचता भी है या फिर नहीं वह आपका इस अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें